वेलकम टू फिनिक्स इलेक्ट्रिकल। ए सिंगल फेज वाटर लेवल कंट्रोलर C1 C2 का स्टार्टर है। इसका यूज जब हमारे पास ये पैनल रहेगी सादी ऑन ऑफ की MCD वाली या कॉन्टेक्टर वाली, तब इसको वाटर लेवल ऑटोमेट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। तो अब इसका वायरिंग देख लेते हैं। यहाँ पे सिंगल फेज 230 वोल्टेज दिया हुआ है फेज न्यूट्रल, और इसका आउटपुट पैनल के इनपुट में कनेक्ट करना है फेज और न्यूट्रल। और ये जो C1 C2 का वायर है इसको स्टार्ट बटन पे नीचे के साइड कनेक्टर है वहाँ पे कनेक्ट करने हैं। और यहाँ पे जो लिंक लगाई है ऊपर के साइड वहाँ पे एक लिंक लगानी है। इसका जो वायर है वो ऐसे ही रहने देना है। और अब इसका वायरिंग समझ लिया तो अब हम लोग ये वायर इसका वायरिंग देख लेते हैं। यहाँ पे दो टंकी का वायरिंग दिखा रही है, अंडरग्राउंड टैंक और ओवरहेड टैंक। इसमें अंडरग्राउंड टैंक अभी यूज नहीं कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे लिंक लगा दी है। और ये जो सेंसर के वायरिंग है मैं आपको समझाती हूँ। ये जो रेड कलर का वायर है वो सी सेंसर यानी कि कॉमन ग्राउंड के स्तर पे रहेगा, और ये जो येलो कलर का वायर है ओएल ये बीच के स्तर पे रहेगा, और ये जो ओएच का सेंसर ब्लू कलर का वायर है ये ऊपर के स्तर पे रहेगा। अब हम इसको कैसे रखना है वो समझ लेते हैं। ये नीचे के स्तर पे रखना है सी को कॉमन सेंसर को, और ये ओएल का सेंसर, ये ओएल का सेंसर को बीच के स्तर पे रखना है। यहाँ पे एलईडी भी ग्लो हो जाएगी ओएल की। और ये ओएच का सेंसर है उसको ऊपर के स्तर पे रखना है। इसको जब पानी टच होगा तब ये ऑटोमेटिकली मोटर ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे इंडिकेशन भी आ जाएगा और यहाँ पे मोटर भी ऑफ हो गई।